हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा बिग बॉस मराठी के ग्रैंड ओपनिंग प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, मैंने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम देखा है और जो फर्स्ट एपिसोड, इसे प्रॉपर तो नहीं कहा जा सकता, इसे ग्रैंड ओपनिंग ही कहा जाएगा क्योंकि डे वन आज से स्टार्ट हुआ है। यानी कि पहला दिन की मैं फिलहाल बात नहीं करूँगा, मैं बात करूंगा ग्रैंड ओपनिंग में जो 15 कंटेस्टेंट आए उनके बारे में। और पहला ये जो ग्रैंड ओपनिंग था वो मुझे कैसा लगा पर्सनली वो मैं बताऊंगा। मैंने बिग बॉस के बहुत ज़्यादा सीजन्स नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने बिग बॉस 11 पूरी तरह से फॉलो किया था। एटलीस्ट फर्स्ट 2 महीने तक तो अच्छा खासा फॉलो किया था मैंने, और उससे मुझे इतना साफ पता चला है ये प्रोग्राम देखने के बाद बिग बॉस मराठी कि बहुत अच्छी तरह से कंटेस्टेंट चुने गए हैं। जो भी कंटेस्ट है, चाहे वो थाटे साहब जो एक्स जर्नलिस्ट है, पत्रकार रह चुके हैं, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अलग है, चाहे आरती जो कॉमेडियन है थोड़ी हैवी वेट, चाहे तावड़े जो हाइट जिनकी कम है। मुझे थोड़ा नाम याद करने थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट मैं ज़रूर मुझे याद कर लूँगा। और रेशम जो एक्ट्रेस है जो सबसे पहले एंट्री मारी घर में, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे किरदार लिए गए हैं। और राजेश श्रृंगारपुरे साहब भी है इस बिग बॉस में, तो मेरे ख्याल से एक अलग ही एक समा बनने वाला है और एक अलग ही आई थिंक ऑरा होने वाला है। करीबन करीबन 2.5 घंटे के आसपास का ये ओपनिंग एपिसोड था। मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब महेश मांझी का साहब घर के थोड़ा सा आई थिंक दर्शन कराया, थोड़ा सा बोर हो गया था। वो इसलिए नहीं कि महेश मांझी का साहब ने दर्शन बहुत थोड़ा लेट किया, बट इसलिए कि मैंने ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें बिग बॉस 11 में देख चुकी है, शायद उसकी वजह से मैं शायद कंपेयर करता था। एनीवेज, बट स्टिल मुझे अच्छा लगा किस तरह से एंट्री लेते हैं, एक के बाद एक कंटेस्टेंट किस तरह से मजाक मस्ती होती है। क्या है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसे हमें जाननी चाहिए, वैसे हमें मराठी इंडस्ट्री भी जाननी चाहिए क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, वैसे नहीं कह सकते बट स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री से हम कह सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है, मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ इवन बॉलीवुड से भी बेहतर फिल्में बन रही हैं मराठी सिनेमा में। श्वास बहुत अच्छी फिल्म थी, सबसे अच्छी जो मुझे हाल फिलहाल में लगी थी 2-3 सालों में वो कोर्ट मूवी लगी थी। बहुत बढ़िया, कोर्ट मूवी से बेहतर मुझे आई थिंक 2-3 सालों में कोई मूवी ने इतना वो नहीं किया, मतलब मेरे माइंड को एग्जॉस्ट नहीं किया जितना कोर्ट मूवी ने किया था, इतनी बढ़िया लगी थी मुझे। और चैतन्य तामाहने की फिल्म थी वो आई थिंक फैंड्री सराज, बहुत अच्छी फिल्म में आए। तो ये सब जो कलाकार है कॉमेडियन, ये सब एक एक साथ जो एक इस हाउस में रहने वाले घर में 100 दिन, ये कमाल का होने वाला है। और मुझे उम्मीद है महेश मांजरेकर एक परफेक्ट होस्ट है। कल मुझे कई सारे कमेंट्स आए जब मैंने बिग बॉस के कंटेस्टेंट की लिस्ट बनाई थी, जिसे मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा अगर आपने देखी नहीं है मैंने ये नोटिस किया कि महेश मांजरेकर बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है सलमान खान का इस मराठी वर्जन में, क्योंकि उनकी बेबाकी, उनके बोलने का तरीका, उनके हाव भाव बहुत ही नेचुरल हैं। यानी कि वो कुछ दिखावा नहीं करते थे, मैंने नोटिस किया, बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ही मंचे हुए कलाकार है। बोलते हैं बहुरूपी प्रतिभा के धनी, बिल्कुल वैसे ही है महेश मांजरेकर साहब। हर किरदार, हर चाहे डायरेक्शन हो चाहे एक्टिंग हो, हर चीज़ें वो बहुत बढ़िया तरह से करते हैं, इसमें कोई शक कोई डाउट नहीं है। और बहुत ही क्लासी और कूल लुक था उनका। और इस शो में उषा नाडकर्णी जी भी है, जी हाँ, 72 साल की, सबसे यंगेस्ट मैं कहूँगा इन्हें, और इनका भी शो में बहुत मजा आने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा बिग बॉस मराठी के अपडेट्स देने की आपको, और जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बिग बॉस के कोशिश करूँगा डे टू डे रिव्यूज़ हो सके तो दूंगा, या फिर हफ्ते के जो वो एलिमिनेशन वाले एपिसोड्स होते हैं उसके रिव्यू ज़रूर दूंगा। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और बिग बॉस मराठी आपको कैसा लगा, एटलीस्ट जो ग्रैंड ओपनिंग एपिसोड था जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हाँ, अगर मैं रिव्यूज़ की बात करूँ फर्स्ट एपिसोड की, तो मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा क्योंकि मुझे बहुत एंजॉयमेंट हुआ देखकर, और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह का एंजॉयमेंट और मिले। और बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी है, तो मैं ऑफकोर्स देख देख कर एक्सप्लोर करूँगा बिग बॉस में। चलिए।